मैं सारी रात सोया नहीं हूँ because I'm coming all the way from Toronto yesterday night. पर आप लोगों का प्यार और एनर्जी देख के वापस से जग गया हूँ. थैंक यू गाइस. अर्चना जी, आपने PS1 के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स, वीडियो गेम है. और तू कहाँ है कप्पू? PS1 की बात कर रहा है, PS5 तक आ गया है. खेल कूद, जुए से बाहर निकलो. ये PS1 जो है, ये मणिरत्नम साहब की पैन इंडिया फिल्म है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. और आज PS1 से जो स्टार्स हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं. चलिए उनको बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच. प्लीज वेलकम मिस्टर विक्रम. आप सभी का हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है. और ये सब इतने प्यारे लग रहे हैं, आज लग रहा है जैसे दिवाली आ गई है. हम सोच रहे थे कि आप लोग राजा महाराजा वाले कपड़ों में आओगे, पूरे गहने वहने पहन के. अर्चना जी ने तो स्कीम भी लगा रखी थी, कहती जब विक्रम आएंगे मैं बोलूंगी महाराज बधाई आपकी फिल्म आ रही है, ऐसे हार निकाल के मुझे दे देंगे. आपको पता मणिरत्नम साहब भी आने वाले थे, वो डर गए अर्चना जी के नाम से. कहते अगर मैं गया, अगर मेरे मणिरत्नम में से मणि और रत्न निकाल लिए तो मैं खाली हम का क्या करूंगा. जोक सभा सर, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज. विक्रम सर, क्या डैशिंग लग रहे हैं आप हमेशा की तरह. मतलब बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं सर, आप सब बड़े कमाल लग रहे हैं. अपरिचित जब आई थी उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में परिचित हो गए. जब आप अपरिचित शूट कर रहे थे, अपने ऐसे दिमाग में आया था कि एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं सर, इनफैक्ट मेरा पहला थॉट बड़ा स्टार एंड ऑल दैट आई वांटेड टू बिकम, बट आई थॉट आई शुड गेट ऑन कपिल शर्मा शो. अरे सर, लव यू. इन माय 8th स्टैंडर्ड. That time it was 1976 or something. You're not born, right? Oh. But that time it was already written. Kapil Sharma Show, I need to be there. Trisha, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ. मैंने जब बहुत खूबसूरत अभिनेत्री आती है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं बात क्या करने वाला हूँ. बहुत प्यारी लग रही हैं आप दोनों. Thank you, Kapil ji. आप शुरू से इतनी खूबसूरत हैं. आपको डिप्लोमा किया खूबसूरती का. कैलेंडर शूट किया था, 2022 आ गया. ये दिनेश है ना हमारा गिटार वाला, इसने अभी तक वो कैलेंडर संभाल के रखा है. इसको तो एक फ्लाइंग किस दे दो, इसका आज का पेमेंट हो और ये घर जाए. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे आपने देखा है बहुत बड़ी फिल्म है, 500 करोड़ के आसपास इसका बजट है. ओह वाओ, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है. अच्छा, मैंने देखा है आम आदमी अगर 500 रुपए का पंखा धर्मशाला में दान कर देना तो साथ में स्वर्गीय दादाजी के नाम के साथ गांव का नाम भी लिखवा देते हैं. और फिर उसको तेज भी नहीं चलाते कि दादाजी का नाम भी पड़ता रहे साथ साथ में. आपने इतनी बड़ी फिल्म बना के नाम रखा PS1, इतना छोटा नाम बाय सर. बिकॉज इट्स लाइक फुल इंडिया है ना, बिकॉज ओरिजिनल नेम नाम पुनीन सेल्वन. आप जस्ट बोलो एक बार पुनीन सेल्वन. पुनीन सेल्वन. पुनीन सेल्वन. पुनीन सेल्वन. पुनीन सेल्वन विद सेजवान सॉस. इट्स एक्चुअली गुड. आई मीन पर PS1 इज गुड. PS बेटर ना. वाओ. जयम सर. हां जी. यू आर गेटिंग मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय हिंदी. I love your Hindi, sir. If you want, I can speak in English also. No, sir. They say no. After that, it's up to you if you will understand or not. अच्छा, मैंने गूगल किया तो विक्रम सर का पूरा नाम जो है वो दिखा रहा है कि कैनेडी जॉन विक्टर. सर, विक्रम के नाम से बड़ा चक आ गया था जो आपने बाकी तीन हटा दिए फिर. I just cut it off because my घर में they call me Kenny. So Vikram, VI, Pitaji's hair, VI, Vikram, okay. We are Vinod, K for Kenny, RA for Rajeshwari, my Mataji ka naam. Wow. And oh, I'm an Aryan, so I'm a Ram, so Vikram. Oh, sir, oh, nice. Same here, Aryan. You're an Aryan. Aries log bade talented hote hain, sir. Bhagwan nazar na lagaye. Sir, kaisa lag raha hai? आपके दोनों तरफ बल्क में ब्यूटी बैठी हुई है. It's really nice. I don't want the show to get over. और सुनाइए सर कुछ. कुछ नहीं है, but I want to tell you apart from the jokes, as like we all are so happy to be a Kapil. We, sir, sir, pleasure. In fact, when they told us you want to go to Bombay, the first thing I said is, can we get on Kapil Sharma show? Could you please talk to him? Thank you. Said, yeah. I didn't say any other show, and I think this is the only show we are doing. Thank you, sir. Thank you. It's a pleasure having you guys. It is.
Mera, I mean, all our houses, BBs, our wives, they're all your fans and all of us, we are forced to watch, actually, and then we see it and we fall in love. Thank you. Pehla, like, no, you better see. And for me, it's a big thing. It's like really a help because whenever my wife gets angry or what, money didn't come this time and blah, 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 and why are you doing this? And then suddenly your show comes and okay, we'll see, talk about it tomorrow. So, I'm so happy for that. Thank you, so thank just you. Just for sir. That, thank you very much. Aapne hamara rate bada diya market mein, sab bolke, itne sare compliments. I can say something better, in fact. Oh, so when they told me PS is going to be promoted on the Kapil Sharma show, I just asked, I said, mera Hindi thoda weak hai, so is it okay? 100 people told me, how can you not be part of the Kapil Sharma show, number one show in India? Thank you. Oh, wow. And everyone, you have to be on it. Absolutely. It's my small request to channel. कि अभी अभी जो त्रिशा ने बोला और विक्रम सर ने बोला ये लाइन को काट के 10-10 बार रिपीट करके प्रोमो चलाया जाए। True story. Is it true your nickname is honey? Yes. My father used to call me that. But अभी तो my nickname is trash. Trash. Why would you advertise this fact, Trisha? I don't know because everybody just started calling me. She's trash. She's always into trash talk. But honey, भी कितना प्यारा name. इनको ही suit करता है honey, है ना? अभी तो nobody calls me honey anymore. It's just. आपको तो कोई आधा घंटा लगातार देख ले उसकी वैसे diabetes बढ़ जाए. I'll make it honey for you, Kapil ji again. Oh. Don't call Kapil ji. ऐसे क्या है? जयम सर की जो डेब्यू फिल्म थी उसका नाम जयम था फिर उन्होंने अपने नाम में जयम जोड़ लिया जयम रवि सर अगर आपकी फिल्म का नाम लड्डू होता लड्डू फिर भी आप यही करते हैं लड्डू रवि है तो आप स्वीट ही बहुत जयम मींस विक्टरी सो ऐसे ही जुड़ गया रवि तो पूरे इंडिया में कॉमन नेम है तो जयम रवि ऐसे ही जुड़ गया तो विक्टरी भी जुड़ गई मेरे साथ ऐसे ही क्या बात कपिल जी जी सर पहले क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रमोशंस के लिए नहीं आया हूँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ थैंक यू सर थैंक यू ऑनर सर क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे भारत देश में सब लोगों को मनोरंजन करते हैं उनको खुशी देते हैं आप दिस इज इक्वल टू डिवाइन थिंग कपिल जी ऑल द बेस्ट ऊपर वाला सर करवा रहा है अच्छा एक विक्रम सर की और फिल्म आई जो हमने देखी उसमें बड़ा कमाल का सीन है जब ये लड़ाई होने से पहले ना इनके जूते का लेसेस खुल जाते हैं और ये ऐसे से घुमाते हैं करके और वो तस्मा बन जाता है अपने वो सीन देख के हमारा पांडे है ना ड्रमर इसने भी ट्राई किया इसने ट्राई किया पजामे पे क्या पता नहीं किस तरीके से इसने पेट घुमाया पजामा तो बंदा नहीं पजामे के नीचे जो पहना था वो भी निकल गया कभी ऐसा हुआ किसी फैन ने ऐसा बोला हो कि सर ऐसे ऐसे करके बांध के दिखाइए ज्यादा फैंस And it's now all my shoes became like this. I did that, lace went off inside. So pajamas also, you can try that. Karthi sir, जब बहुत बार आपको ऐसे सीन भी करने पड़ते होंगे ना जैसे फिल्मों में होता है अक्सर कि larger than life फिल्में बनती हैं कि जहाँ पे एक गोली है और आदमी चार मर रहे हैं आपने पैर पटका और 10 लोग उछल भी जाते हैं तो कभी कभी आप फिर डायरेक्टर से आर्ग्यूमेंट करते हो कि एज फिजिक्स हमने भी पढ़ी है ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टर बोलता है कि नो डोंट गो विद द लॉजिक जस्ट गो विद द मैजिक होता है ऐसे सी वी आर यूज्ड टू वाचिंग रजनी सर्स फिल्म क्या बात ओनली रजनी सर कैन डू ऑल दैट क्या बात वी कीप अ लिमिट और हमें विश्वास भी होता है रजनी सर शूट्स 10 पीपल विल डाई इफ आई शूट 2 इज इनफ आई डोंट वांट 10 ये मेरा सवाल आप सबसे है कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको लग रहा हो कि यार ये मैं सीन मेरा कन्विक्शन नहीं है एज एन एक्टर पर डायरेक्टर के बोलने पे कर दिया हो लेकिन बाद में उसी सीन पे बड़ी तालियां भी बज रही हूँ कन्विक्शन के बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ अच्छा और जो भी हो मैं बोल देता हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं होगा सो सॉरी व्हाट एवर आई कैन आई विल डू सर मैं सीरियसली ट्रेलर में देखूं आपका रूप ही अलग और यहाँ पे बैठे इतना स्वीट आदमी डोंट लेट दैट फूल यू ऐसा लग रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी देने आए त्रिशा सोबिता आप दोनों क्वीन बनी हैं फिल्म में मतलब जो आपने ज्वेलरी पहनी बड़ी प्यारी लग रही हैं दोनों आप प्रोड्यूसर से बोलते हैं कि हमें ओरिजिनल चाहिए नहीं तो हमें फील नहीं आता ऐसा इट इज ओरिजिनल एवरीथिंग हेड टू टो वाज इवन द हेयर पीसेस व्हिच वी पुट ऑन इट वर ओरिजिनल तो शाम को एक प्रोडक्शन वाला भी खड़ा रहता होगा मैडम यही रह गया एक डायमंड इधर रह गया बॉडीगार्ड ज्वेलरी के लिए हमारे लिए ईच एक्टर हैड 4 बॉडीगार्ड्स ओह वाओ वी कुडंट इवन लाइक
And normally after shoot, wow. if we like a costume, we'll say this pant is good, we'll take it. Huh. So that's why they had the bodyguards. But lohi ki jacket kahan leke jaoge jo aapne pehni hui? We can't take any of those. I don't want to take it. It's 40 kilos. Who wants to wear it around? Actually. Seriously. अच्छा 120 दिन का ये शूट हुआ है और आप कितने कमाल के एक्टर हैं कैरेक्टर में जब आदमी घुस जाता है तो 120 दिन के बाद जब आप घर आए तो आप नॉर्मल थे कि आपको घर पे भी आदत हो गई थी कि ऑमलेट पेश किया जाए हैं ऐसे तो नहीं होता था आपके साथ नहीं फील में आदमी चला तो जाते ही कैरेक्टर में है ना नो रवि हैड दैट प्रॉब्लम बिकॉज़ मनी सर कॉल्ड हिम एंड सेड feel like a prince for next 60 days even in the house you should be like a prince 6 months so he started like that only first he got tough then slowly got yeah. used to it itna bhi nahi sirf ye sirf coffee aaj kisko bolte the ye wife itni himmat nahi hoti kisi bhi raja maharaja mein ah utna risk nahi leta hu main thappad mile There, the wife started doing. He just copied the wife. No, she becomes a queen, and she'd say, "Ravi." Then he said, "Acha hai na." So we'll do this. No, us kamre pe nahi jata hu main. Bas kitchen side pe rehta hu main. Aur ye sab wahan pe hoga. Aur sir ne bola ki tu feel karna hai is character ko 6 months. Aur tu kider bhi dekhega, tera hai. Jo dams jo build hoga, wo tera hai. Aur main bhi terrace pe jaake dekhta hu. वो सब बिल्डिंग्स मेरा है सो ये सब थोड़ा सा मदद किया है कैरेक्टर को उसके स्किन के अंदर आने के लिए मदद किया है पर मनी सर इज अ मास्टर व्हाट एवर ही सेज वी जस्ट फॉलो लाइक अ गाइडलाइन ऐसे मेरे मन में ना खुराफाती चीजें आती रहती कभी कभी मैं सोचता हूँ जो कभी राजा महाराजा होते थे वो तो जर्दा वगैरह खा नहीं सकते होंगे क्योंकि अगर कोई महाराजा जर्दा खाता हो तो वो ऐसे करे सैनिक आ जाए जी महाराज अरे कुछ नहीं मैं तो अपना ओके बट वन थिंग आई एम वेरी ग्लैड आई एम एंजॉयिंग योर जोक्स बिकॉज आई वॉच सो मेनी हिंदी फिल्म्स आई एम एबल टू फॉलो व्हाट यू सेइंग आई एम सरप्राइज्ड आई एम इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ एक्चुअली अपनी तारीफ कर गए इसमें भी सर इतना भयंकर एक्शन करना और वो भी धोती भी पहननी है ऊपर से इतने भारी कवच कभी एक्शन करते करते धोती में पैर फंसा आपका कभी नहीं फंसा वो पूछे बहुत हार्ड एक्शन है ड्यूरिंग एक्शन सीन्स द मैक्सिमम पीपल हु गॉट शाउटेड एट बाय मी इज द कॉस्ट्यूम पीपल बिकॉज़ हाफ द टाइम माय नाइफ गोज इनटू माय क्लोथ्स आई टायर इट माय सेल्फ आई सेड माय विलन इज नॉट एनीवेयर अराउंड माय विलन इज माय धोती ओनली सोचो आप घोड़े पे जा रहे हो यलगार हो धोती खिंच जाए बंदा पहले जाकर तैयार हो आप यलगार तो बाद में कर अच्छा आजकल तो VFX इतना अच्छा हो गया है हॉर्स राइडिंग के सीन में अगर हीरो हीरोइन बैठे हैं खाली ऐसे से कर रहे हैं तो VFX में नीचे घोड़ा डाल देते हैं आपने VFX का सहारा लिया आपने हॉर्स राइडिंग भी सीखी ओरिजिनल हॉर्स राइडिंग वाओ आई डिडंट हैव हॉर्स राइडिंग बट हाथी के ऊपर या वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ हाथी के ऊपर आई हैव टू सिट बिकॉज़ वो प्रिंसेस है ना सो एवरी सीन में शी एंटर्स ऑन अ कैरेज ऑन अ हाथी ओके सो इट्स दैट आई मीन दैट पार्ट ऑफ इट आवर जॉब्स वर इजीियर बट द गाइस रियली रियली वेंट थ्रू वाओ देयर वाज अ सीन वेयर आई हैड टू मतलब हाथी के ऊपर मुझे चढ़ के जाना था उसमें और ये हेल्प कर रहे थे मुझे फेंक दिया उसके ऊपर लिटिल पुश क्योंकि एक दो बार इन्होंने हेल्प किया था ऐसे क्योंकि मैं ऐसे कान पकड़ के उसके ट्रंक के ऊपर पैर मुझे डर भी लग रहा था बिकॉज़ आई डोंट वांट टू हर्ट द एलिफेंट एक दो बार किया यार करना जल्दी फट आपको लगता है आप एलिफेंट को हर्ट कर सकती हैं मतलब एलिफेंट इज अ ह्यूज क्रिएचर भगवान ने ऐसा पर जब आप एलिफेंट पे बैठती थी एलिफेंट ऐसे मुंह मुड़कर नहीं देखता था आपको Once और वो पूरा कैरेज वेंट लाइक दैट वी वर लाइक मूविंग सो इट्स अ लिटिल हाथी बड़े चालाक होते हैं फ्लर्ट होते हैं वो आई थिंक इट वाज अ मेल एलिफेंट सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट वाज लाइक डूइंग क्वाइट अ बिट ऑफ अ डांस व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन इट लड़के बैठे होंगे तो सीधा चलता रहेगा कोई बात नहीं बैठ गए लड़के बैठे तो हाथी हां आ गए सर एक गेम खेलते हैं इसमें आपके कानों पे हेडफोन रहेगा अंदर साउंड चल रहा होगा लाउड म्यूजिक और आपको गेस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ओके ओके वेरी स्मॉल लाइन ओके आइए यो बंदर ने पहना डायपर
So, आपने क्या बोला कि बंदर की बारात में भालू भी आया? हाँ, वो ही था क्या? नहीं था. So the line was, बंदर ने पहना डायपर, बाहुबली हो गया हाइपर. Okay, we will play one more. One line. Roha. The line was, कुत्ता किधर गया? Find it. येन्ना रस्कला mind it. But आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला. You guys were looking so cute. आइए सर आप please. हमारे शो में एक सेगमेंट है सर, जहाँ पे हम लोग सब फिल्म स्टार्स की पिक्चर्स निकालते हैं इंस्टाग्राम में से. और जो इंडियन जो जनता है ये बड़ी क्रिएटिव हो गई आजकल. नीचे कमेंट्स कुछ भी कर सकते हैं. okay. तो हम लोग सिर्फ फनी फनी वाली चीजें उठाते हैं. तो कुछ पिक्चर्स हैं आप सबकी, हमने निकाली हैं. तो उनके कमेंट्स जो आपके फैंस करते हैं वो आपको दिखाएंगे. प्लीज दिखाइए जरा. सुभिता ने ये फोटो डाला है, भैया ये कितने का है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. गाली थे क्या सबको? अरे आपने भैया बोल दिया, अब ये जरूर रेट बढ़ा के बताएगा. किसी ने लिखा, मैडम भाव क्या पूछती हो, आप कहो तो वरमाला बना के गले में डाल दे. और आगे दिखाइए. वाह विक्रम सर, ये बड़ा कमाल का फोटो और कमाल का एटीट्यूड है. ये फिल्टर यूज किया है कि सच्ची में आग वाले चश्मे पहने आपने? फिल्टर. यार इतने बड़े बड़े स्टार्स आप भी ऐसे काम करते हो? हमें लगा हम ही बैठ के घर पे ये सब करते हैं. दिखाइए कमेंट्स. चश्मे में आग देख के लग रहा है आप तंदूर के सामने खड़े हैं और बता रहे हैं 3 तंदूरी इस प्लेट में. किसी ने लिखा है, फीमेल फैंस के सामने अपनी रिंग फिंगर छुपाते हुए. चश्मा जरूर अनु मलिक साहब का है, उन्होंने इसमें भी आग लगा दी. सर चश्मा उतार दो, आईब्रो जल जाएगी. और दिखाइए. से हाय टू माई बू, स्काई इज योर लिमिट. वाओ ब्यूटीफुल पिक्चर. घोड़े भी लड़कियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, मुंह सीधा रखते हैं, लड़का खिंचाए तो उधर मुंह कर लेते हैं. दिखाइए जरा. आपको देख के घोड़ा भी एक टांग पे खड़ा हो गया. राइड से पहले घोड़े को ओटीपी बताते हुए. और दिखाइए. पुलियम ये पेड़ है, पेड़ का नाम है. Yeah. Which I had tried to claim all through my childhood. Finally, I have done it. दिखाइए नीचे कमेंट्स. अभी ये थोड़े कच्चे हैं, पकते ही पेड़ से गिर जाएंगे. ऐसे स्टंट में एक ही टेंशन होती है, जेब से चिल्लर गिर जाते हैं. लटके तो ये चमगादड़ की तरह हैं, बस ये कबूतर वाला काम ना करते. और दिखाइए. तो कौन बोल रहा? मैं भी बीवी से बचने के लिए 7 दिन पेड़ पे रहा था. देखना घोंसला समझ के चिड़िया ना घुस जाए. You don't get it by staring. You don't get it by wishing. You don't get it by hoping. You don't get it all easy. Oh ho, sir, so much English. आइए कमेंट्स पढ़ते हैं. तुम डिजाइनर. Is it good costume design? Yeah, getting a good. इनके पैर देख के लग रहा है ये कंफ्यूज हैं, सामने जाना है या लेफ्ट. सर ये सच में सुपरमैन पोज है या चड्डी ढीली है उसे पकड़ा है? एक्चुअली चड्डी पोज है. और दिखाइए. लगता है इनके घर के बाहर सांड खड़ा है, वो चला जाएगा उसके बाद ये घर से निकलेंगे. लाल रंग पे अटैक करता है ना. नाउ आई कैन ऑल्सो से, मैं चिया को तब से जानता हूं जब वो चड्डी में घूमता था. और दिखाइए.
Trisha ne food dala hai. Wise man once said, get a job you don't need a vacation from. And so I did. And I'm still vacationing. Wow. Achha, 19 saal ho gaye industry mein. Wow. Yeah. Kya baat hai? Thank you. So Trisha, aap 2 saal ki thi jab industry mein aagi thi. Oh. I love you for saying that, Kapil ji. Mujhe I love you mat bolo, main piche tak aa jata hu fir. कमेंट्स दिखाइए नीचे. जॉब कितने साल की हो गई लड़कियां ये तो बता देती हैं, खुद कितने साल की हैं ये कभी नहीं बताती. तो ये तो जरा सा केक खाएंगी, देखना पीछे वाले सारा केक लूट लेंगे. और दिखाइए. स्कैरी नो. या आई नो इट्स लाइक मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे ही 3 मंजिला केक लाता था. मेरे घर की 2 मंजिलें बिक गई. अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ. और दिखाइए. ओह स्वीट. हैप्पी फॉरएवर टू अस. थैंक्स टू एवरीवन फॉर द लव एंड विशेस. गॉड ब्लेस. ओह वाओ. माय वाइफ. नाइस पिक्चर सर. दिखाइए कमेंट्स. आदमी चाहे सुपरस्टार हो, गर्दन बीवी के हाथ में ही होती है. बीवी चाहे कहीं और ही क्यों ना देख रही हो, याद रखना नजर हमेशा पति पे ही रहती है. ट्रू. सर आप इतना सीरियस दिख रहे हो, लगता है शादी को कई साल हो चुके. और दिखाइए. वो ओहो. हेलीकॉप्टर एंड द कॉप फ्रॉम हेल. वाओ नाइस पिक्चर सर. दिखाइए कमेंट्स. आई एम स्केयर्ड अगेन. अभी ये जोर से पंखा घुमाएंगे और हेलीकॉप्टर उड़ने लगेगा. विक्रम सर पार्किंग के लिए झगड़ा करते हुए. लोग पतंग लूटते हैं, इन्होंने हेलीकॉप्टर लूट के रख लिया. जब प्रोड्यूसर कहे हेलीकॉप्टर मैं दे दूंगा, पेट्रोल आप भरा लेना. और दिखाइए. काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स 11 for 96. वाओ कितने सारे अवार्ड्स. Not so modest moment. दिखाइए नीचे कमेंट्स. आपकी बाहों में अभी भी थोड़ी सी जगह खाली है, क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? किसी ने रिप्लाई किया है, सेंट्रल जेल में बहुत जगह खाली है, तुम वहां आ सकते हो. और दिखाइए. खत्म. थैंक यू. Oh my God! So many people. कितने खूबसूरत लग रहे हैं एकदम मेरे जैसे. मेरे नजर न लग जाए. Let me introduce myself. Myself Pushpa. Hi Pushpa. मैं fire नहीं, नायर है. पुष्पा तो चंदन की smuggling करता था ना? ये मरीजों के फल उठा के आधे रेट पे बेचती. नर्स है ये. कॉमेडी कॉमेडी करती. मोहल्ले का सबसे कॉमेडी आदमी. कैसे चल रहा है आप लोग, सब ठीक है? अरे इतना बड़ा मेहमान है, आप खाना वाना पूछे नहीं. आज आप लोग इडली बने स्पेशल है, चटनी सांभर खाओ प्लीज. ट्रेलर देखा आपने इनका? अरे जबरदस्त ट्रेलर देख के ना मेरे को ना पूरे बॉडी में तो छोड़ो मुंह पे घूस बम्स आ गए. सच्ची जो तेरे मुंह पे आया ना वो घूस बम नहीं, दाढ़ी बोलते उसको. She's a assembled lady, not original. Oh, okay. It takes 2 hours to convert him into her. Oh my God! God, oh my! My God, oh! हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपके कितने बड़े फैन हैं. देख बहुत अच्छा लग रहा है. I will also introduce myself. हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली. जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं. If your clothes not dirty, we not flirty. उनके कपड़े बहुत साफ हैं, उनका कोई गंदा नहीं है. तुम्हारा यहाँ पे कोई धंधा नहीं, निकलिए आप यहाँ से. नहीं नहीं एक मिनट. कपड़ा अभी गंदा नहीं है. हाँ. लेकिन जिस तरह ये कार्थी जी टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं. हाँ? क्या पता थोड़ी देर बाद इनका ये कपड़ा के ऊपर लिपस्टिक का दाग हो. हो सकता है.
ये काश मोरा काश मोरा सैया बन जाए ए काश मोरा उधर तक ध्यान है ठीक है हमारे जयम रवि सर के देखना नहीं है गंदा नजर से मैं ही देख रही हूँ उनको गंदा ठीक है हम नहीं देख रहे हम तुम्हें देख रहे हैं क्या लेकर आई हो इडली और वड़ा लेकर आए हैं ये खाते हैं They know it from before. कुछ variety चाहिए इनको. देखिए सर हम आपके लिए क्या लाए हैं. This is here. You see this is litti. This is chokha. Litti chokha. Okay? This is all the way from Bihar. It is speciality. Litti को जो है चोखा के साथ खाते हैं. अभी चोखा बनता कैसे? I will explain to you. आलू होता है, बैंगन होता है. दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार होता है. बीच में एक टमाटर आता है तीनों में टकरार होता है हाय 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 गुत्थम गुत्थी होता है प्रॉपर वार होता है तब जाके एक अच्छा सा चोखा तैयार होता है इट इज वेरी गुड फालतू शायरी क्या मारे मैं लाया नहीं इधर इडली बीच में चोखा पोखा लाने का क्या जरूरत है तुमको क्या जरूरत है हाँ पूरा दुनिया में ऑलरेडी इतना सारा फालतू लोग है तुमको पैदा होने का क्या जरूरत है ए गुड़िया मत हंसा कर ऐसे जो चीते इंडिया में हैं भाग जाएंगे वो चीता 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 यू नो सर इंडिया हैज गॉट चीता आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन ये चीता का जो फादर होता है लाइक पापा ऑफ चीता तो चीता अपने फादर को क्या कहेगा चीता जी के पिता जी जस्ट जो खैर आपका फिल्म का ट्रेलर देखे जोरदार ताली ओहो लेकिन हम ट्रेलर पे देखे आप लोग घुड़सवारी कर रहे हैं लाइक हॉर्स राइडिंग यू आर गोइंग ऑन हॉर्स लाइक दैट हमारा भी हॉर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है गांव में हम अपना कपड़ा जब धोते हैं तो घर घर हॉर्स पे ही लेके जाते हैं कपड़े को हॉर्स नहीं हो गधे होते हमको मालूम है पर हमारा जो हॉर्स है वो एक नंबर का गधा ही है हम एक बार उसको 100 रुपए का नोट दिए बोले जाके चना खरीद के खा लेना वो हमारा 100 रुपए का नोट ही खा गया ईट माई 100 रुपीज दैट हॉर्स सेड वो घोड़ा ही है गधा कोई और है गधा कौन है हम तो देखे नहीं है मालूम है कप्पू ने किसको गधा बोला ऐसा ससुर का नाती हमको गधा बोल रहे हैं आई विल टेल यू अबाउट हर ये जो है हॉस्पिटल में काम करती है वहां पे यू नो इंजेक्शन ये अपना इंजेक्शन हॉस्पिटल से लेकर घर लेके आती है छोटा छोटा बच्चे को पिचकारी बोल के बेचती है लाइक पिचकारी यू नो मेरे प्रोफेशन के बारे में फालतू बात करेंगे तो देख मैं क्या करते हैं क्या करते हैं मैं ही कह रहा ये लिट्टी है ना उसको ऐसे इंजेक्शन से होल करके मेदू वड़े बनेगा समझे ना हम तो ऐसा चूड़िया नहीं पहने हैं तुम्हारे मेदू वड़ा के अंदर सत्तू भर के उसको लिट्टी बना देंगे जाड़िया जाड़िया नहीं गुड़िया समाज को बुरा बना रहे हैं आप लोग मत झगड़िए ससुर का नाती इधर जा दो लेडीज का बातचीत चल रहा है आप कहाँ बीच में क्यों आए हैं समाज पे बुरा असर पड़ता है अम्बी ये बर्दाश्त नहीं करेगा बर्दाश्त निकल यहाँ से दो जन अच्छा वाला झगड़ा कर रहे हैं तू बोल ये क्या हो गया अरे भाई हाय ना अभी मैं नर्स 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 जरा चेक करो ठीक है तुमने पाप किया है हमने लोगों के कपड़ों में कभी सांप कभी केचुए डाल देती हो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और वो पनिशमेंट है कूपी कुंभम इसमें क्या होता है खोलते हुए तेल में तला जाएगा ठीक है तल दीजिए हमें हम डरते नहीं है तल दीजिए पूरी बात तो सुन मोटी खोलते हुए तेल में तुम्हें नहीं उस तेल में भजिया समोसा तला जाएगा और तेरे सामने बैठ के मैं खाऊंगा ऐसा मत कीजिए हमारे साथ समोसा भुजी ऐसे करेगा ए तू क्या हंसती है तू नारी नहीं पिसाचनी है पिसाचनी ये पाप है और इसकी सजा है
जुअम बानरम। ये क्या होता है? पेड़ पे बैठ के बंदर के जुए निकालने हैं। ये तो बहुत सिंपल है, मैं हर संडे उधर झाड़ पे बैठते ऐसी। कैक्टस के पेड़ पे बैठ के बंदर के जुए निकालने हैं। कैक्टस का पेड़ पे ही यस टू सीट। और तुम लोग क्यों झगड़ते हो? तुम्हारा डोसा अच्छा है, तुम्हारा लिट्टी अच्छा है, सब अच्छा है, ये जड़ है झगड़े की। हाँ तो हाँ हाँ, मैं इसे खत्म कर दूंगा। क्या कर रहे हो? मैं भोजनम। लिट्टी को काहे को हाथ लगाया? ये नहीं खाना है। पूरा चटनी मिक्स कर दिया तूने, गेस्ट के लिए लेकर आए थे, काहे को हाथ लगाया? देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैंने जानबूझ के किया। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। मैं सच में मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए मैं, देखिए देखिए, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन हमारी एक मांग है। कौन सी मांग? ये वाली मांग। ये वाली मांग आपको भरनी होगी। क्या है कि आप हमें थोड़े पसंद आ गए हैं। नहीं नहीं, देखिए ये क्या बोल रही मोटी। यही तो हमको पसंद आ रहा है, ड्यूअल पर्सनालिटी, स्वीट एंड सॉल्टेड मिक्स। एक साथ हमको दो दो पति मिल जाएगा। आइए ना हमारे साथ, सात फेरे लेंगे, साढ़े तीन ऐसे ले लेंगे, साढ़े तीन ऐसे ले लेंगे। मुझे डांस कर, इससे तो शादी हम भी करेंगे। अरे मुझे छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो चलो, इससे शादी हमको करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इससे शादी हम भी करेंगे। आइए आइए सर। दुखी हृदय के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि सोभिता जो हैं, इनको आगे शूट पे जाना है। हमारा मन तो नहीं कर रहा है भेजने का, पर वहां पे भी आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सोभिता, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शूट। थैंक यू। बाकी के मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। आइए सर आप प्लीज। कार्थी सर के बारे में आप सब जानते हैं, इन्होंने बहुत एक्शन फिल्में की हैं, अब ये पीरियड फिल्म कर रहे हैं उसमें भी एक्शन कर रहे हैं। सर आप रोमांस करना नहीं चाहते या कोई है जो आपको करने नहीं दे रहा? One film I did love story before marriage, became super hit. After marriage I have not done any love story. And then my wife keeps saying, why do you want to do romance in every film? Why? You have to have women in the film. So then I did Kaidi. That became super hit, no heroine, no songs. She said, see, this only works for you. You do films without songs. कार्तिक सर खुद तो एक्टर हैं, इनके पापा जो हैं शिवा कुमार जी वो भी एक्टर हैं, इनके भाई सूर्या बड़े कमाल एक्टर हैं, उनकी वाइफ ज्योतिका भी एक्टर हैं, ये तो एक्टर हैं ही। कहने का मतलब ये है कि दे हैव ए स्मॉल यू नो शॉपिंग मॉल ऑफ एक्टर्स। कपिल जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आई जस्ट वांटेड टू, नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड स्टफ, हाउ इज योर फिल्म स्विगितो कमिंग आउट? ओह या, ओह स्विगितो, ही इज एक्चुअली डूइंग अ फिल्म वेयर देयर इज नो कॉमेडी। वाओ। Wow. He's a food delivery boy and he's a common man. It's a very serious role and Nandita does directing and I supposedly you've done very well. Very Thank you well. Vikram sir. Aapki taraf se compliment aa raha hai, bahut badi baat hai. Yeah, my movie is going to Busan International Film Festival. But how was it acting? Serious. Bahut maza aaya sir. Maine first time is tarike ka role kiya. Wonderful. Director bahut kamaal hai basically. So you're going to be a singer and an actor and... Sir, har jagah haath pair maar rahe hain jahan pe... Don't give us competition. Arre sir. बामुलायजा होशियार, म्यूजिक घराने से राजाओं के राजा। हिमकुमार तू पधार रहे हैं, पधार तू पधरने तो दे मुझे। अकेला ही पधराई जा रहा है, पधराई जा रहा है। सरदार। हिमकुमार तू जाके कह देना हमारी राज्यसभा में ये मेरा कच्चा सुखाना है धूप में।
ठीक है? और इसको ये ऐसे नहीं चलता, इसको थर्ड गियर में ऐसे डालना पड़ता है, चलो। बेवकूफ। हैं? क्या बोला तू? क्या बोला? बेवकूफ। हम तुम्हारी इस बात से खुश हुए, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। Very good. और बोल देना राजा का हुक्म है कि ये कच्चा धूप में सुखा के निचोड़ना भी है, ठीक है राजा साहब? जाइए जाइए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं एक राजकुमार का सल्तनत हूँ, नहीं सल्तनत का राजकुमार हूँ। एक मिनट। हाय सर, हाउ आर यू? नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई, वेलकम। आप लोग की फिल्म का ट्रेलर देखा, सुपर्ब। ये सुपर्ब, इट्स अमेजिंग, सो मच ऑफ एनर्जी एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। इतनी जोर से मुंह मत हिलाया करें, पिछली बार भी आपका मुंह नीचे गिर गया था। साहब मैं भी म्यूजिक का काफी जानकार हूँ। कोई जानकार नहीं है सर जी, ये सबसे मार खा चुके हैं, कुमार शानू, उदित नारायण, खुद आशा जी ने दो थप्पड़ मारे इनके पर से। आप रहमान साहब का नाम भूल गए, उन्होंने भी मारा। त्रिशा, मैं आपको म्यूजिक सुना सकता हूँ? ओके। तो कल एक सांप मेरे पास आ गया, ओए मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उसने एकदम ऐसे करके वो टेढ़ा हो गया। तो मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं उसके पास जाके मैं भी ऐसे टेढ़ा हो गया, तो एक हार्ट बन गया। हार्ट त्रिशा, इट वॉज अ मोमेंट। ये जो सांप एक हुए ना, अभी आपको पता है मैं बहुत मजा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था इतने में, लेकिन उसका पति आ गया, हम लोग तो शक की निगाह से देखा, और जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या कहता है? बताइए ये कोई बात हुई? मैंने उसको समझाया भी, मैं कहा नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट हैविंग फन। सांप इतना गुस्से में, मैं उसको कह रहा हूँ सुन नहीं रहा, उसके कान नहीं थे ना तो सुना नहीं उसने, लेकिन उसने मेरे कान पकड़ लिए और ऐसा डसा कि फिर मैंने कहा जब छेद हो ही गए तो मैंने ये दलवाए दो। तो ये है, उसने जब आपको डसा, जहर नहीं चढ़ा आपको? तो ये मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म की स्टोरी सुना रहे थे। जयम जी, जयम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जी। क्योंकि मैंने टार्जन मूवी देखी, आपका एक डायलॉग मेरे दिल को छू गया। कौन सा डायलॉग? मैं वो सो टच कि चार पांच दिन तो मैं ही ऐसे घूमता रहा। As उस्ताद, I do a lot of shows as उस्ताद। तो मैं एक कबीले में गया, मैंने वहां जाके उनको गाना भी सुनाना चाह रहा था, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में मेरा पहले वेलकम किया, आते ही हु हा हु हु हा हु ऐसा करके मेरा स्वागत किया उन्होंने। अरे वो बोल रहे थे हु आर यू, ये पूछ रहे थे आपसे। हु हा हु क्या कह रहे होंगे, मेरी दूर की इंग्लिश कमजोर है, सुनाई कम देता है मुझे दूर से। तो मैं गया और वहां के कबीले के जो राजा थे वो मुझसे मिले, और उन्होंने आते ही अपना फरमाइश की और कहते कि न्यूम टक मैंने कहा साहब आपकी ये फरमाइश सराखों पर। मैंने फिर गाना वहीं उसी वक्त कंपोज किया, उनको सुनाया, मैं कहा न्यूम टक रे तो मुझे लगा शायद खुशी के मारे मेरी कहीं से शादी करा देंगे, लेकिन मुझे तब पता चला जब उन्होंने मेरे को एक लकड़ी पे मेरे दोनों हाथ पर बांध के आग पे ऐसे ऐसे चलाना शुरू किया, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि कुछ गड़बड़ है। देन आई केम टू नो कि वो अपना बेसन सुखा रहे थे। बेसन नहीं सुखा रहे थे, आपको भून रहे थे वो। तो मैं भूनूंगा तो ही तो बेसन सूखेगा ना। तो वो मेरे को वहां भूनने लगे, और पहले मुझे भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, क्योंकि शरीर ना सिर्फ पजामा जला था, लेकिन जब लौ चड्डी के अंदर गई ना तो मैंने कहा तब
आप बोल बोल के थक गए होंगे, आपका गला दबा दूं? कब से बोली जा रहे हैं आप? यार मेरी मैं क्यों ना बोलूं साहब, क्यों ना बोलूं? मैं आया हूं, मैं इनके लिए कुछ संगीत भी तैयार करके लाया हूं। मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी बेसन वेसन लेके बैठे और लकड़ी वकड़ी मैंने मंगा रखी है और आग यहीं जल जाएगी, तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूं। Amazing actor, amazing, amazing. So cute. Oh, what energy, man. Energy. Super, Siddharth. Woo! Hey, give it up for him, yeah. What a, oh my God. Vikram sir, मैंने सुना है आपने हाल ही में Twitter join किया है. Yeah. But अभी इतनी late क्यों? Phone में network नहीं आ रहा था पहले क्या? Very shy. I was in Instagram, then I was out for 4 years. Achha. That also I joined 1 month back. But after what you did here, I'm going to leave that again. I was, oh Lord, Superman and all that. I was, I think. I want to tell you one thing about Twitter. Twitter is very risky after a little bit whiskey. It's my personal experience. Oh. Shukriya. What a voice. और कुछ मुजरे पे आए हो? अच्छा आप सबको पता है ये फिल्म जो है चोल साम्राज्य के ऊपर है, उनकी राजा महाराजाओं की कहानी है, क्वीन का रोल कर रही हैं, राजा महाराजा का रोल कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि राजा महाराजाओं का दौर जो है वो वापस आना चाहिए और क्यों? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी सर। हेलो एवरीवन। हाय सर। हाय कपिल सर। हेलो सर। मैं निधिश चौबे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, वहाँ डीपी विप्र कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं। अच्छा जी, किस चीज़ के प्रोफेसर है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जी, हमारा पंखा खराब हो गया एक। वो अर्चना जी रखती है छोटा टेबल फैन ना सामने, वो चल नहीं रहा है। चलिए सर, अच्छा यदि यहाँ मेरे को कुछ काम मिल जाएगा तो वहाँ से छोड़ के मैं यहीं आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे को इतना अच्छा लग रहा है इस शो में और खासकर आपके सामने आज। शुक्रिया, बहुत सुपर, बहुत आई एम शुक्रिया चौबे साहब, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। थैंक यू सर। और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि जो राजा महाराजाओं का जो दौर था वो जरूर वापस आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मैंने इतने सारे महल सब जयपुर और सारे महल मैंने देखे, तो वहाँ की जो भव्यता, बड़े बड़े उनके सैकड़ों एकड़ में जो महल बने हुए हैं और दीवाने खास, दीवाने आम और बहुत सारे कमरे करीब 40-50। और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी राजाओं के लिए कि शादी करने की उनकी पूरी स्वतंत्रता थी, उनको कम से कम 25 से 30 महारानियां थी उनकी। वो इसीलिए होती थी, महल बड़े होते थे, मिलती नहीं थी एक बीवी। वो ढूंढते थे कहाँ कौन से कमरे में गई है। मन की बात आपकी अब सामने आई है। ये जो शादी, चौबे जी मन नहीं भरा आपका एक शादी से? मैडम प्रोफेसर साहब घर पे भी इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आज ही रटा मार के आए हैं। करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं। नहीं अब जैसे भी रहे, रानिया तो इनकी कई भी रहे बट रानी तो एक ही रहेगी। चौबे साहब क्या कहेंगे, खुला निमंत्रण दिया है उन्होंने आपको। कितनी भी रानियां रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं फ्री हो गया, मैं कहीं भड़ास निकालने की जरूरत नहीं, अब इन्होंने मुझे फ्री कर दिया। ये भी इन्होंने ये कैमरा पे बोला, घर जाके मरोड़ेंगे आपका चौबे जी, वैसे बाजू फिर आपको पता चलेगा। शुक्रिया चौबे जी शो में आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू कपिल सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त मित्र अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी जी मैडम। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मैं आज ये जवाब सब मेरे जैसी खूबसूरत औरतों की तरफ से बोलना चाहूंगी। जी जी। हम लोगों के लिए ये वाला दौर अगर वापस आ जाए तो बहुत ही परेशानी वाला रहेगा। क्यों? मैं तो अपने पति को अच्छे से मतलब GPS के थ्रू ट्रैक करती रहती हूँ, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब आ रहा है, देर हो गई तो फोन लगा लेते हैं। ओह माय गॉड। और अगर पहले का दौर वापस आ गया तो युद्ध का बोल कर जाने कौन सा युद्ध लड़ने निकल जाएंगे, कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं होगा। तो सर अभी का जमाना सही है। आपके पति आ जाए आपके साथ? नहीं, पति को ट्रैक कर रही है अभी, कहाँ है इस वक्त वो? ट्रैक चेक कर लीजिए, किसी और ट्रैक पे ना चल रहे हो आज, आप इधर बैठी हुई हैं। शुक्रिया मैम, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त
Hi Kapil, hi everyone. मैं मोनिका पांचाल मुंबई विले पार्ले से आई हूँ। जी मोनिका जी, स्वागत है आपका। सास के साथ आई हूँ आज। ये आपकी सास है? हाँ। वाओ, आप तो दोनों बहनें लग रही हो। वाओ, सीरियसली? मैं आज बहू की तरफ से बोलने वाली हूँ। मुझे चाहिए कि जमाना वापस आए, क्योंकि राजा होता है उसकी रानी होती है, रानियों की बहुत सारी दासियां होती है। बस आजकल तो सास की एक ही तकलीफ होती है कि बहू कुछ काम नहीं करती है। हाँ। तो दासियां होगी तो सब सास का काम करेगी और बहू आराम करेगी। आपकी सास तो पूरी उफ, क्या बात है। मोनिका की सास, एक बात बताओ आप। यस yes. आप तो इतनी छोटी सी हैं, बेटे की शादी भी कर दी, सास भी बन गई। हाओ, 2 साल हो गया बेटी की शादी को। अच्छा जी, वाह, अभी टाइम निकाल के अपनी भी कर डालो। पर अच्छा लगा आप दोनों को साथ में देख के। सास बहू साथ में बैठी हुई हैं, बड़ी बात है। ओह, और बैठ के हंस रही हैं, ये और भी बहुत, क्या बात है। पप्पी भी देखी। घर पे भी इतने प्रेम से रहती है कि टीवी के लिए हो रही है ये? नहीं, यस यस यस। अच्छा जी, मैं वर्किंग हूँ ना, तो मैं तो रहती नहीं हूँ, सैटरडे संडे ही मिलना होता है, तभी बनती बड़ा यार। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय एवरीवन, कपिल जी। हेलो, मेरा नाम आरती है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं गुजरात से हूँ। हाँ, तो 2 मिनट के लिए हम गरबा खेल सकते हैं क्या? आइए विक्रम सर, त्रिशा, कार्ति सर, जयराम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए तो हैं, ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। थैंक यू। और आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much once again for coming. Thank you, sir. Thank you for having us here. It's been such an honor. And we'd like to thank Mani sir and our producer, Subhash, for having us here with you all. Thank you so much. Thank you, Archana garu. So nice. Thank you. And with this, we will wish you all the best. Good night. Shubh Ratri. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.